जिला संग्रहालय डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम विदिशा मध्य प्रदेश, दो यहाँ पर बोर्ड हैं। तो ये प्रतिमा जो है इसमें सीधे हाथ पर भगवान शंकर जी हैं और लेफ्ट साइड में है नारायण, तो ये हरि हर होगा एक तरह से, हरि और हर दोनों। ये भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो ये प्रतिमा जो है कामदेव की है माता रति के साथ, रति उनको देखिए सोमरस पिला रही हैं। और ये हैं विष्णुदेव जो निद्रा में है शेष सैया पर, शेष नाग पर सोए हुए हैं। ये साइड में शेष नाग है, वो समझ में नहीं आ पाएगा। और ये वामन देव ढोड़े से भी नहीं मिलनी पूरी दुनिया में। सूर्यदेव अपने पूरे परिवार के साथ, सभी देव देव देवी और देवताओं के साथ। सूर्य देवता की भी अपनी ही एक महिमा है। ओम सूर्याय नमः। और ये हैं चतुर्भुज विष्णु। और ये तस्वीर है, ये प्रतिमा जो है ये वामन देवता की है। इसकी पहचान इनके जो पेट है ये तोंद बाहर निकल रही है, इससे इनकी पहचान होती है। और ये शायद कहीं ऊपर लगे होंगे मंदिर में कहीं की प्रतिमा है, ये नकाशी है। इसमें बरहा देवता है, नरसिंह भगवान है साइड में, ये नरसिंह भगवान है और ये बरहादेव है। ये नारायण की प्रतिमा होगी कहीं पर, तो उसका ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे की गाय भगवान श्री विष्णु। ये किसी देवी की प्रतिमा है, खंडित है। और ये विष्णु देव जी का मस्तक ही मस्तक है। ये भी भगवान विष्णु ही हैं। एक तरफ तो ब्रह्मदेव समझ में आ रहे हैं, पर है ये विष्णुदेव की ही प्रतिमा, क्योंकि चतुर्भुजा है, चार भुजा हैं विष्णुदेव की इसमें। और ये तो पहचान में नहीं। और ये हैं गरुड़ देव, ये नीचे हैं गरुड़ देव और ऊपर हैं महाविष्णु। तो ये गरुड़ देव और विष्णुदेव हैं, ये भी विष्णु ही हैं। ये भी चतुर्भुज प्रतिमा है, ये भी भगवान विष्णु ही हैं। ये भी भगवान श्री विष्णु जी का मस्तक है, कहीं मूर्ति कहीं और होगी, मस्तक यहाँ पर है। ये बरहा देवता की प्रतिमा है, 1789 तो इस पर डेट डली है, पता नहीं और कितनी प्राचीन होगी। ऐसे में समझ में आएगी। और ये कुबेर जी ये एक और बड़ा देवता की प्रतिमा। इसके बाद ये महाविष्णु 7वीं-8वीं सदी। मिल वो मुश्किल है जो वालों जाएंगे, पर जो मूर्तिकार है वो बे ही बता सके हैं। और आधे मतलब जो पहले अपने थे कि लोग भी इतने हुनरदार थे, पर अब नहीं है। उदयगिरी देखी आपने? उदयगिरी में जा ही नहीं पाया। ये प्रतिमा है ऋषभदेव की, नीचे का हिस्सा तो है पर ऊपर के चरण अकेले हैं, और पर ऋषभदेव गायब है यहाँ से। ये भी जैन तीर्थंकरों की है, सिर गायब है, प्रतिमा तो है। इस जैन प्रतिमा का सिर नहीं है, बाकी प्रतिमा पूरी है, बस सिर अकेला गायब है। इस प्रतिमा को नीचे से देखते हैं तो ये सही दिखती है, परंतु इसका हाथ गायब है।
और ये वाली प्रतिमा पूरी ऊपर से नीचे तक सही है, पर चेस्ट से नीचे का हिस्सा गायब है। और ये भी ऋषभ देव की प्रतिमा है, पर इसमें सिर नहीं है, इन सब के सिर गायब हैं। ये पूरी प्रतिमा सही है, बस इसमें ये साइड में एक हवा जो कर रहे हैं, इनका सिर नहीं है, इसलिए यहाँ रखी है। ये प्रतिमा पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सही है, बस इसमें दो चीज़ों में, यहाँ पर दो ये प्रतिमा है, इनके सिर नहीं है, ऊपर जो बैठे हैं उनका भी सिर नहीं है। नहीं, छोटे छोटे जी है ना, जो एक अलग स्टोन है, जो कोई वजह से रखो। अब आपने जो नाम बताओ ना, हाँ, पांच जगह, नटराज की एक प्रतिमा, गणपति बप्पा तो बड़े प्यारे दिख रहे हैं, गणपति गणपति बैठे जाम पूरे, हाँ। अब ये हैं भगवान श्री गणेश जी, पर नीचे बोर्ड पर लिखा है नृत्य गणेश, मतलब नृत्य करते हुए, पर तस्वीर कुछ और कह रही है। इस प्रतिमा में ऊपर दीप बना हुआ है ऊपर, और ये नृत्य गणेश जी नृत्य करते हुए अवस्था में, और हाँ वो ये भी सूर्य देवता हैं, उनकी फैमिली के साथ में, ये छोटे बच्चे अलग ही दिख रहे हैं। और ये है भगवान श्री विष्णु, एक है बड़ा देवता, एक है गणपति, बीच में कार्तिकेय, और एक का वो समझ में नहीं आ रहा। ये विष्णु देव हैं, गोमेदा और अंबिका भगवान श्री, ये है शिव और पार्वती या उमा शंकर, एक तरफ है माता उमा, एक तरफ है शंकर, उमा शंकर। और ये है भगवान नटराज, ये प्रतिमा अधूरी है पर ठीक है। ये प्रतिमा है गंगा और यमुना जी की, ये प्रतिमा है माँ लक्ष्मी की है, ऊपर दो हाथी हैं, उससे पहचान में आ रही है। ब्रह्मदेव तो अलग ही हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अब ये वाली प्रतिमा किस देवता की है, जो पहचान के बताएगा मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। गौर से देख लीजिए,
ये जैन तीर्थंकर, ये भगवान श्री गणेश जी। शिव और पार्वती माँ, ये भी शिव पार्वती, ये भी शिव पार्वती। उमा शंकर, उमापति, ये भी भगवान शंकर ही हैं। ये पहली तस्वीर मुझे मिली है नाग देवता की, दो नाग देवता हैं। अब देखें ऐसे में, ये भगवान शिव की प्रतिमा पर खंडित है। पूरे म्यूजियम के तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, पर एक खास तस्वीर बताना चाहूँगा। ये इसे देख सकते हैं, दो नाग हैं एक दूसरे में आपस में लिपटे हुए, एक साइड है नाग देवता, एक उस साइड है, दोनों नाग देवता हैं। और ये प्रतिमा शिव शंकर भगवान की है, शिव और शंकर महादेव। ये प्रतिमा है भगवान शिव शंकर की 9वीं शताब्दी की। हमने दुनिया देखी, अगर हमने अपना घर ही नहीं देखा तो क्या देखा। ये है यक्ष कुबेर, जिन्हें धन का देवता बोलते हैं। मेरी हाइट अगर ऐसा सीधा कैमरा करोगे तो कमर तक आएगी, इतनी बड़ी प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कहाँ मिली है, ये बैस नगर विदिशा में ही मिली है, सैकड़ों साल पहले। तो ये है कुबेर, यक्ष कुबेर, जिन्हें धन के देवता बोलते हैं। तो ये प्रतिमा है भगवान श्री विष्णु की 10वीं शताब्दी की। इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो है ब्रह्मदेव हैं, और इस साइड है महादेव, और नारायण का सिर नहीं है, खंडित अवस्था में है। ये चतुर्भुजी माता पार्वती की प्रतिमा है, ये शिव पार्वती, ये चतुर्भुजी महाविष्णु, ये उमा महेश्वर। शमशाबाद में मिली है ये प्रतिमा 13वीं सदी की, पर खंडित है। ये तस्वीर, ये प्रतिमा भी खंडित है। चतुर्भुजी देवी हैं, ये दुर्गा जैसी लग रही हैं, पर और कोई है। बरहादेव, शिव जी का तांडव नृत्य, ये विष्णु जी की प्रतिमा है पर अधूरी है, क्योंकि आधा हिस्सा है, पूरा तो पता नहीं कहाँ है। ये भी विष्णु देव हैं, खंडित हैं। ये देखें, ये गिलहरी बैठी है। ये देखें, स्थापत्य खंड है, ये तीन स्त्री। ये गणपति जी की प्रतिमा है 9वीं शताब्दी की, पर खंडित है। ये भी स्थापत्य खंड, ये हाथी हैं। ये मिथुन राशि वालों की मिथुन प्रतिमा है, पर सही नहीं है, खंडित अवस्था। ये माँ दुर्गा की अष्टमुखी, अष्टभुजा दुर्गा माँ की प्रतिमा, अष्टभुजा वाली। और ये शिव जी हैं, और ये जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, देख सकते हैं, ये भी खंडित है। ये प्रतिमा सूर्य देव की है, सूर्य देव, देख सकते हैं बीच में से ये खंडित हो रही है, यहाँ पर ये कमर के पास। और ये कुछ प्रतिमाएं हैं, और वो देखें एक बगीचा में, ये हाथी देवता की प्रतिमा। तो ये वो प्रतिमा है जो समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर मोहिनी देवी, ये मोहिनी देवी हैं, कलश इनके हाथ में है। ये पार्श्वनाथ की आधी प्रतिमा, ये भी
आदिनाथ की आधी प्रतिमा, ये पार्श्वनाथ जी की आधी प्रतिमा है, अर्ध, आधा सिर नहीं है। और ये प्रतिमा 90% तक ठीक है, पर इसमें एक हिस्सा टूटा है, जो उनकी टुड्डी रहती है ना दाढ़ी की, वो गायब है इसकी। और अब जो देखने वाले हैं आप, ये हैं भगवान श्री नेमिनाथ जी, इनके दोनों हाथ नहीं है, बाकी प्रतिमा पूरी सही है। और ये है शांतिनाथ जी, शांतिनाथ जी का सिर गायब है, देखिए। तो ये खंडित प्रतिमा है शांतिनाथ जी की, और ये वाली प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है। और अब आप देख रहे हैं आदिनाथ भगवान जी की दूसरी प्रतिमा, ये प्रतिमा 60% तक ठीक है, पर इनके दोनों घुटने मतलब तोड़ दिए गए हैं, इस प्रतिमा के घुटने गायब हैं, और पीछे का जो बैठने की तख्ती रहती है वो भी खंडित है। म्यूजियम में आया था, थोड़ा दुखी हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पीछे भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा है, वो भी खंडित, ये नेमिनाथ जी वो भी खंडित। तो म्यूजियम में आके थोड़ा अपसेट सा हो गया, क्योंकि देखें आप जहाँ भी नज़र जाएगी खंडित प्रतिमाएं हैं, तो बुरा लगता है थोड़ा, क्या करें, दिल पर ठेस पहुँचती है। जितनी प्रतिमाएं हैं सब जैन तीर्थंकर जो 24 हैं उनकी हैं, सभी खंडित हैं। नेमिनाथ, आदिनाथ, ये देखें, ये भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, इससे खूबसूरत ये भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा, सभी खंडित हैं लगभग लगभग। जय आदि। तो ये प्रतिमाएं आप सभी देख रहे हैं, ये जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, आदिनाथ से लेके ऋषभदेव तक, ऋषभदेव से लेके आदिनाथ तक, आदिनाथ से लेके महावीर तक, सभी की। ये भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, ये प्रतिमा देखिए, पहले भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, इसमें तीन लोग हैं, एक ये जो खड़े हैं, एक देवी बैठी है, और एक वो ऊपर, तीन लोग हैं ये। ये विष्णु जी की प्रतिमा है पर टूटी हुई है, ये पार्श्वनाथ जी, दोनों साइड प्रतिमा रखी हैं और हम बीच में हैं, एक एक करके बताएंगे। ये नंदी जी की प्रतिमा खंडित, ये प्रतिमा भी खंडित ही है, ये विष्णु प्रतिमा का अधो भाग, आधा भाग है विष्णु प्रतिमा, ये बरहा देवता और विष्णु देवता, ये हैं बरहा और वो हैं विष्णु। नवग्रह प्रतिमा, ये विष्णु देव की प्रतिमा है, वो भी विष्णु देव, ये आदिनाथ जी हैं। इस प्रतिमा में दो योद्धा हैं जो घोड़ों पर सवार हैं, युद्ध की उनकी स्थिति है, युद्ध के जैसे लड़ाई कर रहे हों। इस तस्वीर में एक योद्धा शेर से लड़ रहा है, ये आदिनाथ भगवान की तस्वीर, ये ऋषभदेव की तस्वीर विशाल ऊपर तक, जैन तीर्थंकर, ये हैं हनुमान जी, और ये भी हैं हनुमान जी, दोनों में बहुत, ये हैं श्री महाविष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान हुए, बरहा देवता की सबसे प्राचीन प्रतिमा, ये है बरहा देवता, देख सकते हैं, ऐसी प्रतिमा शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिले। पशु बरहा 10वीं से 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी, सुनारी, जिला विदिशा। और ये आप देख सकते हैं प्रतिमा, बरहा देवता की प्रतिमा है, ये संग्रहालय की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी प्रतिमा। ये देखें,
ये कोई योगी हैं जो ध्यान में की अवस्था में बैठे हैं। जैन तीर्थंकर विष्णु प्रतिमा खंडित, शेष सैया पे विराजमान श्री विष्णुदेव ब्रह्मदेव। देखिए उनकी नाभि पर कितने प्यारे दिख रहे हैं यार। नीचे लिखा है कीचक पर प्रतिमा समझ में नहीं आई। और ये है गरुड़ पर आसन श्री विष्णुदेव, ये एक और कीचक की प्रतिमा है। और ये आदि है विष्णुदेव की प्रतिमा। आज हमने हमारे संग्रहालय, कहीं का भी संग्रहालय हो भारत देश का वो हमारा ही होगा, इसलिए संग्रहालय के दर्शन कर लिए हैं। ये देख सकते हैं संग्रहालय है, पूरे दर्शन हो चुके हैं इसके। और अब चलते हैं अपने घर। सबसे प्यारी तस्वीर मुझे वो लगी जो आप पीछे देख रहे हैं, बरहा देवता की तस्वीर। जैसे मेरे पास में ये देख सकते हैं नीचे नारायण की तस्वीर भी है जो गरुड़ देवता के ऊपर है।